नमस्कार, जय श्री श्याम। गीता टिप्स में आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को शुगर के घाव के बारे में टिप्स देना चाहती हूँ कि शुगर का घाव किस तरह ठीक किया जा सकता है। मोस्टली आप देखिएगा कि शुगर का जो घाव होता है उसको भरने में बहुत टाइम लगता है। लोग बहुत परेशान रहते कि शुगर का घाव कहते कि जल्दी से ठीक नहीं होता है, लेकिन मैं आज आपको ऐसे टिप्स बताऊंगी, इस तरीके से घाव को ठीक करने के टिप्स बताऊंगी कि 3 दिन में आपका शुगर का घाव एकदम से कंट्रोल में आ जाएगा। जो घाव डॉक्टरों के भी कंट्रोल में नहीं आता है वो इस टिप्स से आपका कंट्रोल में आ जाएगा। और ये टिप्स मैंने आज नहीं, मैं बरसों से इस टिप्स को यूज़ करती आ रही हूँ। कम से कम 20 साल से मैं इस टिप्स को आजमा रही हूँ। और सिर्फ शुगर के ही घाव नहीं, नॉर्मली भी यदि आपके घाव होते हैं, घाव 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पुराना घाव जिसमें मवाद भर जाती है, पस भर जाती है, तो उस घाव को ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है। और एक होता है कि ताज़ा घाव, जैसे कहीं गिर पड़ गए, चोट लग गई, स्किन घस के वहाँ पे त्वचा में खून निकल रहा है, तो एक ताज़ा घाव होता है। तो दोनों का ट्रीटमेंट अलग है, ताज़ा घाव का अलग है और शुगर के घाव का या मवाद का जो भी घाव होता है उसका ट्रीटमेंट अलग है। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि शुगर में जो घाव होते हैं उसे आप कैसे ठीक कर सकते हो। जैसे सपोज आपके घाव में मवाद भर गई है, तो आप उसको क्या करोगे, पहले यदि आप किसी से ट्रीटमेंट करो तो उसको आप पूरी तरह से बंद कर दीजिए। आपको ना कोई दवाई खाने की ज़रूरत है, ना ही किसी डॉक्टर के पास जाके उसको इलाज कराने की ज़रूरत है। एकदम सिंपल सा है, थोड़ा सा गुनगुना पानी लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा डिटोल डालिए। थोड़ा सा डिटोल डालने के बाद उसमें कॉटन डाल के आप उस घाव को पहले क्लीन करिए। यदि घाव में थोड़ी गंदगी जमी हुई है, पहले का ट्रीटमेंट किया हुआ है, तो उसको आप क्लीन कर लीजिए कॉटन से, और धीरे धीरे उसको सूखे कॉटन से उसको पानी को सोख लीजिए। उसमें पानी बिल्कुल भी लगा हुआ नहीं रहना चाहिए। 2-5 मिनट उसको सूखने का टाइम दीजिए। कॉटन से आप क्लीन करते हो तो थोड़ा गीला रहता है, तो उसको हवा से सूखने दीजिए। हवा से सूखने के बाद आप सोफ्रामाइसिन, बहुत ही कॉमन ऑइंटमेंट है ये, तो सोफ्रामाइसिन आप हमेशा यूज़ किया करिए घाव के लिए। तो सोफ्रामाइसिन आपको सपोज़ यहाँ पे घाव हुआ है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे इतनी दूर में आपके मवाद हो गई है और घाव हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना, खाली सोफ्रामाइसिन लेके इतनी दूर पे आपको लगाना है। अच्छे से क्वांटिटी में सोफ्रामाइसिन लगा दिया आपने, लगाने के बाद आपको उसको एक बड़ी कॉटन से उसको कवर करना है। कवर करने के बाद में सेलोटेप या ल्यूकोप्लास्ट जो भी होता है चिपकाने का, ये कॉटन को आप लगा दिए, उसके बाद आप उसको सेलोटेप से ऐसे चारों तरफ से आप उसको बंद कर दिए। आप सेलोटेप भी इजीली यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट वगैरह मिले नहीं मिले, घर में अवेलेबल रहता है कि नहीं रहता, लेकिन सेलोटेप हर इंसान के पास मिल जाता है। तो आप कॉटन यहाँ पे पहले आप लगाओगे सोफ्रामाइसिन क्रीम, अच्छा से क्वांटिटी में चारों तरफ लगा दिए, जहाँ तक पस जा रही वहाँ तक आप लगा दिए। उसके बाद आपको एक बड़ा सा कॉटन रखना है, कॉटन रखने के बाद उसको आपको सेलोटेप से चारों तरफ से कवर कर देना है, मतलब चिपका देना है कि वो बाहर ना निकले। ये आप सुबह एक बार कर लीजिए, फिर शाम को आपको दोबारा इसको ड्रेसिंग करनी है। फिर शाम को आप धीरे से सेलोटेप हटा के उस कॉटन को आप हटाओगे तो देखिए कॉटन के अंदर में बहुत सारा पस निकला हुआ आपको मिलेगा। तो पस निकला हुआ मिलेगा, जो मवाद रहते हो कॉटन में आ जाती है, तो उसको देख के आपको घबराना नहीं है, बल्कि आपकी त्वचा के अंदर की जितनी भी मवाद थी वो निकल के कॉटन में आ जाती है। पूरी एक साथ नहीं आती, लेकिन काफ़ी क्वांटिटी तक आ जाती है, तो उसको आपको फेंक देना है। फिर से आपको उसी तरीके से दोबारा ड्रेसिंग करनी है कि गुनगुना पानी लेना है, उसमें डिटोल डालना है, डिटोल डाल के उसको फिर से क्लीन करना है। जो पहले की क्रीम व्रीम लगी हुई है उसको अच्छे से, मवाद है, क्रीम है, उसको अच्छे से क्लीन करके उसको फिर से पानी को सुखा के आपको वही मेथड फिर से अपनाना है। सुखा लिया स्किन को, फिर सोफ्रामाइसिन लगा दिया, फिर कॉटन से कवर किया, फिर सेलोटेप से आप उसको लगा दिए। ये क्रिया आपको दिन में 2 बार करनी है, एकदम से 2 बार आपको हर हाल में करना है। कितना भी बड़ा घाव हो आपका, यदि मवाद है अंदर में और मवाद के कारण आपको तकलीफ हो रही है और डॉक्टर से वो इलाज नहीं बैठ रहा है, नहीं ठीक हो रहा है, तो सारा इलाज आप तुरंत बंद करके सिर्फ आप सोफ्रामाइसिन से आप इसका ट्रीटमेंट करिए। सुबह शाम दोनों टाइम आप ड्रेसिंग करिए, 3 दिन तक आप ऐसा करिए। 3रे दिन तक यदि आपके घाव कंट्रोल में नहीं आए तो आप मुझे दुनिया भर की गाली कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। 3 से 4 दिन में आपका घाव एकदम कंट्रोल में आ जाएगा।
अब कोई बहुत ही मेजर कोई बीमारी अंदर ही अंदर आपके हो रही हो और वो नहीं ठीक हो रही, तो अलग बात है कि आपकी त्वचा के बहुत डीपली अंदर तक यदि कुछ हो चुका है, स्किन डैमेज हो चुकी है, तो अलग बात है। नहीं तो नॉर्मली जो मवाद होती है, पस होता है हमारी स्किन में, वो 3 दिन के अंदर में घाव को पूरा कंट्रोल कर लेती है। तो उस घाव को आप 3 दिन बाद में देखिएगा, आपका जहाँ इतनी मवाद थी वो धीरे 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 होते होते छोटा रूप ले लेती है, जो स्किन आपकी एक्स्ट्रा रहती है। बाद में जब मवाद अपनी पूरी बाहर निकल जाती है ना, तो देखिएगा स्किन खोखली हो जाती है, जहाँ पे मवाद रहती है वो स्किन थोड़ी सी स्किन से ऊपर एक्स्ट्रा स्किन जो रहती है वो खोखली हो जाती है। तो उसका हल्के से कैंची को आप, सीजर होता है, कैंची को आप थोड़ा सा डिटोल के पानी में डुबा के, यदि स्किन एक्स्ट्रा आपके ऊपर में निकली तो उसको आप कैंची से हल्के हल्के से काट दीजिए, उससे कुछ नहीं होगा, डेड स्किन रहती है वो, उसको आप हटा दीजिए। अब आपकी मवाद जैसे एकदम खत्म हो गई है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको न्यूस्प्रिन पाउडर होता है, ये घाव को सुखाने के लिए होता है, न्यूस्प्रिन पाउडर को आप उसको लगा के सूखा ऐसे छोड़ दीजिए। उसके बाद हल्का सा कॉटन लगा के हल्के हाथ से उसको आप कवर कर दीजिए, देखिएगा आपका जो एकदम हरा घाव था धीरे धीरे वो सूखने लग जाएगा। जब आपकी मवाद पूरी निकल जाएगी ना, उसके बाद आपको सोफ्रामाइसिन नहीं लगाना है, याद रखिएगा। उसके बाद आपको न्यूस्प्रिन पाउडर को यूज़ करना है, न्यूस्प्रिन पाउडर आप उस पर लगाइएगा और त्वचा को थोड़ा खुला छोड़ दीजिएगा घाव को, ताकि वो न्यूस्प्रिन पाउडर से सूख जाए, तो वो सूखने सूख सूख के धीरे धीरे आपका वो घाव पूरी तरह से भर जाएगा। ये हुई मवाद वाले घाव की बात। और दूसरा, यदि आपका ताज़ा घाव हो रहा है, यदि आप जैसे बच्चे गिर पड़ जाते हैं या अपने कहीं गिर पड़ जाते हैं तो चोट लगती है, स्किन जमीन से घस के खून निकलने लग जाता है, तो उसमें आपको गीली कोई भी क्रीम नहीं लगानी है, ना ही सोफ्रामाइसिन लगाना, ना ही कोई दूसरा ऑइंटमेंट लगाना है, कोई भी गीली क्रीम नहीं लगानी है। यदि आपको 2-3 दिन में घाव को ठीक करना है, तो आप सिर्फ न्यूस्प्रिन पाउडर यूज़ करिए ताज़ा घाव में। यदि आपका है तो वही डिटोल से आप क्लीन कर लीजिए उसको, डिटोल के पानी से। उसके बाद आप खाली उसमें न्यूस्प्रिन पाउडर लगा लीजिए, अच्छे से क्वांटिटी में न्यूस्प्रिन पाउडर लगा के उसको खुला छोड़ दीजिए, 10 मिनट तक आप उसको खुला छोड़ दीजिए। उसके बाद यदि आपके यदि प्रॉब्लम होती है, तो आप उसको थोड़ा सा कॉटन लगा के बैंडेज अप कर सकते हो, तो उससे भी आपकी वो त्वचा ठीक हो जाएगी। तो ये सूखा ताज़ा घाव जो होता है वो न्यूस्प्रिन पाउडर से एकदम ठीक हो जाता है, और हरा घाव है आपके घाव में यदि पस है, मवाद है, तो उसको आप सोफ्रामाइसिन से ठीक कर सकते हैं। और ये भी मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है, इसको आप बहुत ही अच्छी तरह से बेझिझक आप इस नुस्खे को आजमा सकते हो। यदि आपके इस तरह के करने से आपके यदि घाव ठीक होता है, तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ कि मेरी बताई हुई टिप्स लोगों को काम कर रही है या नहीं कर रही है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये टिप्स भी पसंद आई होगी। यदि आपको मेरी टिप्स पसंद आई है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि घाव बहुत ही कम लोगों के ठीक होते हैं और ये बहुत पुरानी बीमारी और बहुत ही लोगों को होती रहती है। तो कोशिश करिए कि इस वीडियो को तो एटलीस्ट आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। इसी के साथ जय श्री श्याम, अलविदा।